त्रासदी के 3 महीने बाद भी जोशीमठ के लोग राहत कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं। जोशीमठ में जब जमीन दरकने का सिलसिला शुरू हुआ तो करीब 700 परिवारों को अपना पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ा था। उसके बाद से ही इन लोगों की आंखें अपने नए आशियाने की तलाश कर रही हैं। अपने घरों पर पड़ी मोटी मोटी दरारें और फिर उन्हें टूटता हुआ देखना हालांकि इन लोगों के लिए आसान नहीं था, लेकिन परिवार को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी के कारण इन सभी ने अपने घरों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब जोशीमठ के अधिकांश होटल, गुरुद्वारे और गेस्ट हाउस घर खो चुके प्रभावित परिवारों से भरे हुए हैं और ये लोग करीब 3 महीने बाद भी पुनर्वास के लिए कोई भी भूमि चयनित नहीं होने के कारण गुस्से में हैं। 5 जनवरी से इन राहत शिविरों में रह रहे हैं। विगत 3 माह हमको अभी हो गए हैं और जिस तरह से हमको राहत शिविरों में परेशानियां भी हो रही हैं, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से अभी हमें कोई इस प्रकार का नोटिस नहीं मिला है कि हमें ये अपने आवास और ये राहत शिविर छोड़ने का हमें इस तरह से कोई वो आदेश नहीं मिला। और हम सरकार से चाहते हैं कि जब तक हमारे पुनर्वास और विस्थापन की व्यवस्था नहीं हो जाती, हमारे मकानों का मुआवजा और ज़मीनों का मुआवजा नहीं मिल जाता है, हमें इन्हीं शिविरों में रहने दिया जाए। तत्पश्चात हम जो है जब भी हमें अपना मुआवजा मिल जाएगा, हम अपने अपने राहत शिविरों को छोड़ करके स्वयं ही अपनी व्यवस्था कर लेंगे। जोशीमठ के राहत शिविरों में रह रहे लोगों की सिर्फ एक परेशानी नहीं है, उन्हें अपनी सुरक्षा समेत अपने बच्चों के भविष्य की भी चिंता सता रही है। परेशान हम लोग इसलिए हैं क्योंकि शासन प्रशासन सरकार ने इतना पैसा काट दिया है, हमारा जो मुआवजा बनता था उसमें स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि कितना पैसा कहाँ कट रहा है। और अभी हम लोग मकान बनाने की सोच रहे हैं कहीं पे, तो अभी भूमि का जो रेट अभी तय नहीं हो पाया है। सरकार पता नहीं इतना क्यों लेट कर रही है इसमें, तो काफ़ी टाइम हो गया है, अभी भी हम लोग परेशान हैं यहाँ पे। जो ढाक में बने हैं वहाँ जाने के लिए क्या दिक्कत है? वहाँ पे दिक्कत ये है कि अभी तो काम चल रहा है ढाक में, और ढाक हम लोगों के लिए यहाँ से दूर भी है। यहाँ पे स्कूल बच्चों के यहाँ पे हैं और जो जोशीमठ का बाज़ार है, मेन बाज़ार है, वो जोशीमठ में है, तो हम लोगों के लिए ढाक बहुत दूर पड़ रहा है, तो इसलिए हम लोग इच्छुक नहीं है वहाँ पे जाने। जोशीमठ आपदा का असर शहर के पर्यटन पर भी पड़ा है। 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है और पिछले वर्ष इन दिनों तक जोशीमठ के होटल पूरी तरह बुक हो जाते थे, लेकिन ऐसा इस बार होता नहीं दिख रहा। तक बुकिंग में मैं अपने गढ़वाल मंडल विकास निगम की बात करूं तो गढ़वाल मंडल विकास निगम ने हमारे अभी पिछले हफ्ते जोशीमठ की भी जो GMEN की वेबसाइट है उस पर अपनी जोशीमठ की दोनों यूनिटों की बुकिंग खोल दी है। और फोन पे भी पिछले 10-15 दिन से और 20-25 दिन काफ़ी इंक्वायरी आ रही थी जोशीमठ के लिए, लेकिन लोगों ने पूछा तो सही, लेकिन अभी पिछले जो 1 हफ्ते हो गए बुकिंग खुले में उसका असर थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन आ सकते हैं पर्यटक। अभी दोनों यूनिट खुल चुके हैं, तैयारियां भी हमारी चल रही है, जो पर्यटकों की सुविधा के लिए जो मूलभूत तैयारियां होती है उसके लिए भी हम तैयारियां शुरू कर चुके हैं। और जो मई जून की जो बुकिंग है तो लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे बद्रीनाथ के कुछ होटल्स खुलेंगे तो उसके बाद हमें जोशीमठ के लिए भी बुकिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि सरकार और प्रशासनिक अधिकारी दावा कर रहे हैं कि प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा और अब तक 39 परिवारों को 10 करोड़ से अधिक धनराशि के रूप में मुआवजा देने का प्रशासन दावा कर रहा है।